पब्लिक हनी सिंह से कंपेयर करने लग गए यार, गायब हो जाएंगे। अभी लगता है कि माँ का ब्लॉग डालना पड़ेगा। What's up my YouTube family, welcome back to my YouTube channel। कैसे सारे, आई होप बढ़िया और बढ़िया रहने चाहिए अपने भाई लोग। तो मैं हूँ अजीत और आप देख रहे हो विलिसन चैनल। गाइस बहुत टाइम बाद ये डायलॉग बोल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है ब्लॉग बनाने में। बहुत बहुत टाइम बाद मैं बना रहा हूँ, तो आई होप जैसे मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो गाइज अभी सुबह बज रहे, एक्चुअली सुबह 6:30 हो रहे, हम आज जल्दी है, हमेशा की तरह लेट नहीं है। तो इस टाइम पे हम जल्दी जा रहे हैं, 6:30 का टाइम था, हो गए और मैं रेडी भी हो चुका हूँ। अभी कॉल आया इसके लिए, ये कट आ गया था वीडियो में। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ राइड के लिए। तो राइड आज लेके जाएंगे मुफासा गाइस, तो आज मुफासा को लेके जाते हैं और आगे बात करते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप में कि इतने दिन से कहाँ गायब था तुम्हारा भाई। मोटो ब्लॉग में बात करते गाइस। हमेशा गाइस राइड से पहले हवा प्रेशर चेक करने का। 36 भर देना भाई, कितना था पहला? ओके भाई, फोटो ले रहे लगता है। जब जब गाड़ी निकालते गाइस मुफासा लोगों को पसंद आती है, तो ऐसा वीडियो फोटोज तो होते ही रहती है। अपनी मुफासा है ही ऐसी। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, राइड पे जाने से पहले हमेशा टायर प्रेशर चेक कर रही है, टायर प्रेशर चेक करना चाहिए हमेशा, बेटर रहता है। तो अभी पेट्रोल भरते हैं क्योंकि मुफासा को लगी है भूख। और ये वाइजर, ब्लैक वाले वाइजर पे वो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है कंपनी का, कौन से तो कंपनी का आता है, वो लगाने से और वाइजर ब्लैक हो गया यार। मतलब मुझे दिन में भी अंधेरे वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा ये लगाने, क्योंकि कोई फ़ायदा का नहीं है वो। आगे आप लगाओगे आगे बच जाएगा स्क्रैच से, लेकिन अंदर से तो स्क्रैच आएगा, वो तो वाइजर वैसे भी ख़राब करेगा। तो इससे बेटर है आप 400-500 रुपये या 600 रुपये का कुछ तो आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर, उससे अच्छा थोड़ा पैसा और डाल के नया वाइजर ले लो बाद में। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अभी इधर पेट्रोल भरते और फटाफट आगे जाते। कनेक्टेड, एक मिनट रुको 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 रुको, कैमरा चालू है क्या देखने ना। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे वाले पैच पे जहाँ पे हम भगाते हैं। यहाँ पे और भी बाकी सारे लोग हैं। मजा नहीं है यार, पूरा व्लॉगिंग करने का भी मजा नहीं रहा,
नहीं, ये अपना व्लॉगिंग कर रहा था ना, तो गाइस पहले जैसा रोड्स नहीं रहे, मजा नहीं है, तो क्या ही बाइक निकाले और क्या ही व्लॉग बनाए। अभी लगता है घर के कंटेंट बनाने पड़ेंगे। बाबा 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 बाबा, कंट्रोल लेवल भाई, कंट्रोल लेवल। इधर खड्डा है संभाल लो। 1 2 3 साला मेरा स्पीड हो गया, इसके लिए मैंने छोड़ दिया बाकी। तुम्हारा लॉन्च अच्छा है भाई, खड्डा है आगे संभालना, खड्डा है आगे। आगे भी मेजर ही है यहाँ, पैचुओं के संभालना। क्या बोल रहे हो? थैंक यू ब्रो। हेलो, अपना सब्सक्राइबर है भाई, ऐसा लोगों का प्यार बहुत देख के अच्छा लगता है। गाड़ी विलीज होती है, सिर्फ कुछ नहीं भी करूं तो मेरा रिफ्लेक्स एक्शन बढ़ गया है भाई, सिर्फ विलीज आती है। कुछ नहीं भी अगर चाहू ना विली का, फिर भी मेरा रिफ्लेक्स एक्शन बढ़ गया, विलीज होती है साला। वो ट्रॉटर खींचने का तरीका है ना, उसके वजह से। गान पड़ गई इसकी।
तो टायर के लवड़े लगे पड़े ना भाई, अपन नहीं ले सकते ना भाई रिस। ऐसी सीन है, मिले थे स्टिकर आपके पास? नहीं अभी नहीं लाया मैं, नेक्स्ट टाइम मेरे को मैं लेके आता देता हूँ। नहीं मैं रहता ही नहीं हूँ ना, बिजी रह रहा हूँ आजकल। वही भाई भाई भी पूछ रहा था ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, तो आज ब्लॉग बना है तो अभी डालेंगे, रेगुलर कोशिश करेंगे। सब लोग वही पूछ रहे मेरे को। भाई भी लगता है हनी सिंह जैसा गायब ही हो जाएगा। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये भाई हनी सिंह जैसा गायब नहीं होगा। ये भाई कभी गायब भी हो गया तो ऐसा देता है कमबैक कि सामने वाला हिल जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना यार, पब्लिक हनी सिंह से कंपेयर करने लग गई यार, गायब हो जाएगा। अभी लगता है कि माँ का व्लॉग डालने पड़ेगा। चलो इधर लगाएंगे वो चाचा भड़क रहा के। चाचा ऑन फायर। सेम ही है ब्रदर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी मिले थे ना? हाँ हाँ देखा, S1000 ना। नहीं हम लोग आगे जाके रुके थे एक्चुअली वहाँ पे पॉइंट पे, रुका एक ग्लास पानी पे, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करना था। ओके ओके, मैं आगे तलक गया वो टर्निंग से, फिर यू टर्न लेके मैं बोला इधर थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ घर पे। अच्छा वाइफ अलाउ नहीं करती ना जल्दी। ओ कहाँ रहते हो आप? मैं तलोजा में। तलोजा में रहते हो? तो हम लोग यहाँ पे रहते हो मतलब नवी मुंबई साइड में ही हो। अच्छा,